Now, everybody, please write down today's date, that is 2nd 8 21, 2nd of August. 8th is August. Now we will study chapter number 5, my neighborhood. Neighborhood kya hota hai beta? Hamara pados. My neighborhood. Now come to the warm up. The students of class 2 are talking about the places around their school. दो कुछ बच्चे सेकेंड क्लास के हैं जो अपने घर के आसपास की जगहों के बारे में बात कर रहे हैं. Places around their school, जो अपने स्कूल के आसपास की जगह के बारे में बात कर रहे हैं. अमजद, सबसे पहले अमजद है, ये क्या बोल रहा है? माई हाउस इज नियर अवर स्कूल, मेरा घर स्कूल के पास में है. आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, और मैं रोज वॉक करके स्कूल जाता हूँ. टीचर, सो योर हाउस इज इन द नेबरहुड. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका, टीचर ने क्या बोला? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्कूल तो आपके पड़ोस में है. अमजद, माई फादर वर्क्स एट अ बैंक नियर अवर स्कूल, मेरे पापा बैंक में काम करते हैं जो हमारे स्कूल के पास में है. माई मदर वर्क्स एट द पोस्ट ऑफिस इन अवर नेबरहुड, और मेरी मम्मा पोस्ट ऑफिस में काम करती है जो हमारे नेबरहुड में है, पड़ोस में है. नाउ गोपाल, माई फादर इज अ टेलर, वो बोलता है मेरे फादर एक टेलर है. ही हैज़ अ शॉप इन द मार्केट बिहाइंड द स्कूल. तो वो क्या बोलता है? पहले अमजद ने बोला था नियर अवर स्कूल, स्कूल के पास में है. तब उनकी टीचर ने बोला था इट मीन्स आप स्कूल का पड़ोस में रहते हो, ठीक है. अमजद ने बोला मेरे फादर बैंक में काम करते हैं जो नियर अवर स्कूल है, स्कूल के पास में. माई मदर वर्क्स एट ए पोस्ट ऑफिस इन अवर नेबरहुड, जो हमारे नेबरहुड में है, जो मतलब पड़ोस में है. नाउ गोपाल ने बोला माई फादर इज अ टेलर, मेरे फादर एक टेलर हैं, दर्जी हैं. ही हैज़ अ शॉप, उनकी एक शॉप है. कहाँ पर? इन द मार्केट, मार्केट में एक शॉप है. बिहाइंड द स्कूल, बिहाइंड मतलब बेटा पीछे, नियर मतलब पास में था, बिहाइंड मतलब स्कूल के पीछे. अमजद, गोपाल एंड आई आर नेबर्स, गोपाल और मैं नेबर्स हैं. नेबर्स मतलब पड़ोसी हैं, और नेबरहुड क्या होता है? आपका पड़ोस, आपके आसपास की जगह है वो आपका पड़ोस है, और नेबरहुड कौन है? आपका पड़ोसी. मानसी, देर इज अ चर्च नियर अवर स्कूल, मानसी क्या बोलती है? हमारे स्कूल के पास में एक चर्च भी है. क्या है? चर्च. आई गो देयर एवरी संडे, जहाँ मैं हर संडे को जाती हूँ. देर आर मैनी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द नेबरहुड ऑफ दी स्टूडेंट्स, ये बात कर रहे हैं हम कि जो ये जितने भी बच्चे हैं इनके नेबरहुड में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं. लिस्ट सम ऑफ द प्लेसेस इन द नेबरहुड दैट द स्टूडेंट्स टॉक अबाउट, अब हमें उन चीज़ों के बारे में बताना है जिनके बारे में अभी बच्चे बात कर रहे थे, ठीक है. द फर्स्ट वन इज, किसके बारे में बात कर रहे थे बच्चे? स्कूल. तो SCHOOL, स्कूल. उसके बाद हम किसके बारे में बात कर रहे थे? मार्केट. एम से क्या होएगा? मार्केट. वी विल राइट MARKET. फिर हम बात कर रहे थे बी फॉर बैंक, BANK, बैंक. उसके बाद हमने बात करी पोस्ट ऑफिस, POST, पोस्ट. OFFICE, ऑफिस.
तो बच्चों के नेबरहुड में ये प्लेसेस हैं सारी, जिनके हमको यहाँ नाम लिखने थे, और हमने फिर यहाँ सबके नाम लिख दिए। नाउ एवरीबडी कम टू पेज नंबर 25। लेट अस नाउ हियर दिया। अब हम दिया की बात सुनते हैं। स्पीक अबाउट हर नेबरहुड गार्डन एवेन्यू। उसका जो नेबरहुड है, उसका जो पड़ोस है, उसका नाम क्या है? गार्डन एवेन्यू, जिसके बारे में दिया बात कर रही है। स्कूल, माय स्कूल इज नियर माय हाउस। दिया कह रही है मेरा स्कूल मेरे घर के पास में है। आई लर्न मैनी थिंग्स एट स्कूल। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। जब आप बच्चे सब स्कूल जाते हो तो आप भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो वो बोलती, जब मैं स्कूल गई तो मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। आई ऑल्सो प्ले गेम्स। और बहुत सारी चीज़ें सीखने के अलावा मैं क्या करती हूँ वहाँ? गेम्स भी खेलती हूँ। देयर, आई ऑल्सो प्ले गेम्स देयर। आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन स्कूल। और स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। जब आप बच्चे सब स्कूल आएंगे तो आपको सब अपने दोस्तों से मिलते हो ना, तो वो बोलती है आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन स्कूल। मेरे स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। नाउ कम टू द मार्केट। मार्केट, दिस इज मार्केट, पिक्चर ऑफ मार्केट। देर इज अ मार्केट इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में एक मार्केट भी है। देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट। जो मार्केट है उसमें बहुत सारी शॉप्स हैं। शॉप्स मतलब दुकानें। पीपल बाय फ्रूट्स। क्या खरीदते हैं वहाँ पे जाके लोग? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज क्या होती है? जो घर का दूसरा राशन होता है, दैट इज ग्रॉसरीज। हियर देयर इज अ बेकरी। वहाँ पर एक बेकरी भी है। बेकरी क्या होती है? जहाँ पे हमको केक्स मिलते हैं, पेस्ट्रीज मिलती हैं, जहाँ पे बेक्ड बिस्किट्स मिलते हैं, दैट इज बेकरी। देयर इज अ बेकरी इन द मार्केट। मार्केट में क्या है? वहाँ पर एक बेकरी भी है। वी बाय केक्स। बेकरी से हम क्या खरीदते हैं? वी बाय केक्स, बिस्किट्स एंड ब्रेड एट द बेकरी। हाँ, बेकरी में हम लोग क्या चीज़ खरीदते हैं? हम बेकरी से खरीदते हैं केक्स, बिस्किट्स एंड ब्रेड्स। देयर इज ऑल्सो अ केमिस्ट इन द मार्केट। मार्केट में कौन है? एक केमिस्ट भी है। पीपल बाय मेडिसिन एट द केमिस्ट। पीपल, लोग वहाँ जाके क्या खरीदते हैं? मेडिसिन। केमिस्ट क्या बेचते हैं बेटा? मेडिसिन। जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेडिसिन। और जो जो मेडिकल स्टोर में अंकल बैठे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट। क्या बोलते हैं हम उनको? केमिस्ट। नाउ कम टू हॉस्पिटल। देयर इज अ बिग हॉस्पिटल इन माई नेबरहुड। अब दिया बोल रही है देयर इज अ बिग हॉस्पिटल मेरे घर के, देयर इज अ बिग हॉस्पिटल इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। सेवरल, सेवरल मतलब बहुत सारे। सेवरल डॉक्टर्स एंड नर्सेस वर्क इन दिस हॉस्पिटल। बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्स इस हॉस्पिटल में काम करते हैं। दे लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ द पीपल। वो क्या काम करते हैं? वो लोगों के हेल्थ का या स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। एंड टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स, और पेशेंट्स की केयर करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं। पेशेंट्स कौन होते हैं बेटा? वो लोग जो बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पेशेंट्स बोलते हैं। द
हॉस्पिटल ऑल्सो हैज एन एम्बुलेंस। हॉस्पिटल में क्या चीज़ होती है? एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस कौन सी होती है? जिसके अंदर हम पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उस व्हीकल को हम क्या बोलते हैं? एन एम्बुलेंस। टू ब्रिंग पेशेंट्स, एम्बुलेंस का क्या काम होता है हॉस्पिटल में? वो पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। मदर टुक मी टू द हॉस्पिटल। मम्मा मेरी मुझे हॉस्पिटल लेके गई। व्हेन आई ब्रोक माय, एक मिनट है, आर्म। मम्मा मुझे हॉस्पिटल लेके गई। व्हेन आई ब्रोक माय आर्म। आर्म कौन से होते हैं? हमारे हैंड्स को आर्म्स बोलते हैं ना। तो मम्मा जब मुझे हॉस्पिटल कब लेके गई? जब मैंने मेरा हाथ टूट गया था। तो हॉस्पिटल हम कब जाते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं या हमें चोट लग जाती है, तब हम हॉस्पिटल जाते हैं। और हॉस्पिटल में क्या होता है? एम्बुलेंस होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज होती हैं जो मरीज का या पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। नाउ कम टू द पोस्ट ऑफिस। देयर इज ऑल्सो अ पोस्ट ऑफिस इन अवर नेबरहुड। देयर इज ऑल्सो अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मतलब वो जगह जहाँ से हम लेटर्स लिखते हैं और पोस्ट करते हैं, या कोई जो भी हमारा पार्सल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? पोस्ट ऑफिस से आते हैं। तो वो बोलता है हमारे घर, हमारे नेबरहुड में एक पोस्ट ऑफिस भी है। मदर एंड आई ऑल्सो गो देयर। मैं और मम्मा दोनों वहाँ पर भी जाते हैं। टू बाय एनवलप्स, क्या खरीदने जाते हैं हम? एनवलप्स। एनवलप्स क्या होता है बेटा? जो लिफाफे होते हैं ना, जिनके अंदर हम लेटर लिख के या राखी डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एनवलप्स। स्टैम्प्स, आपने देखा होगा कि जो एनवलप्स होते हैं उनके ऊपर हम एक टिकट भी लगाते हैं कॉर्नर में छोटी। इन छोटी छोटी टिकट्स को हम स्टैम्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैम्प्स। एंड पोस्ट कार्ड्स, हम क्या खरीदते हैं वहाँ से? एनवलप्स, स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड बेटा इसी तरह से एक कार्ड होता है येलो कलर का, जिसके यहाँ पर एक स्टैम्प लगी होती है, और यहाँ हम एड्रेस लिखते हैं, और यहाँ हम किसी जिसको भी पोस्ट कार्ड भेजते हैं उसके लिए वहाँ पे ग्रीटिंग्स लिखते हैं या लेटर लिखते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड अ पोस्ट कार्ड, जिसको हम जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो गो देयर टू सेंड पार्सल्स टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में और क्या काम होता है? कि वो पार्सल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई करते हैं। तो मैं और मम्मा वहाँ पर कभी कभी पार्सल्स किसको भेजने के लिए जाते हैं? हम ग्रैंड पेरेंट्स को, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को पार्सल्स भेजने के लिए भी हम कहाँ जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में क्या क्या काम होता है? पोस्ट ऑफिस से आप पार्सल्स भेज सकते हो। इसके अलावा आप वहाँ पे एनवलप्स, स्टैम्प्स और पोस्ट कार्ड्स भी खरीद सकते हो। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू द रिमेनिंग चैप्टर। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।